अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता ठीक है इसमें स्पैगेटी मैक्रोनी दोनों मिक्स हैं बहुत इजी वे में बनेगा कोई ख़ास जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है और मसाले भी बहुत बेसिक यूज़ होंगे और इसमें मैंने ले लिया है एक पैकेट मैक्रोनी का और एक ही पैकेट में ले लूँगी इसमें स्पैगेटी का ठीक है इन दोनों को जो है मैं बॉयल कर लूँगी जिसके लिए सबसे पहले हम पानी को उबाल आने तक का वेट करेंगे जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ये पास्ता ठीक है नमक भी साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे ठीक है जब पानी में उबाल आ जाए फिर इसमें मैं ये पास्ता ऐड कर दूँगी ठीक है उबाल आने के बाद आपने जो है वो चम्मच को चलाना है क्योंकि होता ये कि आपस में जुड़ जाते हैं ठीक है थीके? फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको आपने पहले ठीक से चलाना है ठीक है ताकि नीचे ना चुपकें और आपस में ना जुड़ें क्योंकि हमने इसमें ऑयल शामिल किया है जब ऑयल सही से स्प्रेड हो जाएगा तो ये आपस में फिर नहीं चिपकेंगे ठीक है अब मैंने ले ली है तकरीबन डेढ़ पाव के करीब चिकन है ये बोनलेस ठीक है मैंने बोनलेस निकाल लिया है क्यूब्स में काट लिया है इस तरह से अब मैं आ, इसमें शामिल करूँगी मसाले आप चाहे तो बोन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है मैंने बच्चों के लिए बनाया है तो मैंने बोनलेस यूज़ किया है अब मैं इसमें मेरीनेशन में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एक चम्मच जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है एक चम्मच जो है मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है एक टेबल स्पून ऐड किया है मैंने इसमें बड़ा एक चम्मच जो है वो कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है मैंने ठीक है एक टेबल स्पून ऐड किया है दो टीस्पून स्पून एक टेबल स्पून जो है वो बन जाता है मेरा ठीक है इसके अलावा मैंने इसमें शामिल कर दिया है तिक्का मसाला थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास तो मैंने वो ऐड कर दिया है तिक्का मसाला आप कोई सा भी ब्रांड का लेके इसमें एक चम्मच जो है वो तिक्का मसाला ऐड कर सकते ठीक है इसके अलावा मैंने इसमें ऐड की आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर ठीक है पाउडर की फॉर्म में और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ इसमें जाएंगी देखें इसमें मैंने जूलियन कट जो है वो गाजर है और शिमला मिर्च है हरी प्याज़ है और बंद गोभी है इस तरह से मैंने इनको कट करके धो लिया है ठीक है धो के उसका जो पानी है सब आपने छान लेना है क्योंकि अगर सब्जियों में पानी रहेगा तो वो स्टर फ्राई होने के टाइम पर बहुत सॉफ़्ट हो जाएंगी गल जाएंगी ठीक है यहाँ पर मैंने मसाले को ठीक तरीके से चिकन में मैरिनेट कर दिया है ठीक है और उसको थोड़ी देर हम रखेंगे ताकि आ, मसाला जो है वो गोश्त के अंदर तक उसका टेस्ट आ जाए ठीक है पानी बिल्कुल भी नहीं है देखिए मैंने ना इसमें लहसन ऐड किया है और ना ही मैंने इसमें दही ऐड किया है ठीक है अगर आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है अब मैं पैन में ले रही हूँ तीन से चार चम्मच के करीब ऑयल उसके साथ मैंने उसमें ऐड कर दिया है हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि ग्रीन वाला पार्ट जो था वो मैं हम पास्ता में ऐड करेंगे तो वाइट वाला जो है वो वेस्ट नहीं करना वो हमने ऑयल में ऐड कर दिया इसको हल्का सा फ्राई करेंगे थोड़ी सी बस खुशबू आने लगेगी ना फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे चिकन को अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे पहले फ्राई कर लेंगे ठीक है और फिर मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे क्योंकि ये क्यूब्स कट हुई हुई है ठीक है बहुत जल्द गल जाएगी पाँच से दस मिनट भी हार्डली हार्डली ये गल जाएगी ठीक है ये देखें चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है ये और अब मैंने अलग एक फ्राई कढ़ाई में पहले ऑयल लिया था ठीक है और उसके अंदर मैंने तमाम सब्ज़ियाँ ऐड करके इसको स्ट्रफ फ्राई कर लिया है ठीक है आज हम तेज़ रखेंगे हल्की आज हमने नहीं रखनी है सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी तो सॉफ़्ट हो जाएंगी ठीक है हमने कच्ची पक्की सब्जियाँ रखनी है ताकि थोड़ा सा क्रंच आए इसमें हमने ऐड कर दिया ये चिकन का पूरा मसाला ठीक है अब अगर आप चाहें इस स्टेज पर तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपना टेस्ट इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ सोया सॉस ऐड किया था ठीक है सोया सॉस ऐड किया था और मैंने इसमें ऐड किया था चाइनीज़ सॉल्ट ये ऑप्शनल है ठीक है और इसके अलावा सब्जियों में थोड़ा सा जो है वो नमक शामिल कर दिया था ताकि सब्जियाँ जो, जो है वो फीकी ना रहे और नमक का जो है वो बैलेंस हो जाए ठीक है उसके बाद हमने इसमें जो उबला हुआ पास्ता था वो ऐड कर दिया ये बन गया बहुत ही सिंपल सा पास्ता स्पैगेटी और मैक्रोनी मैंने मिक्स करके बनाई है बच्चों के लिए बनाई है आप लोग बना सकते हैं बच्चों के लिए इसमें मैंने स्पाइस का लेवल बहुत कम रखा है ताकि बच्चे खा लें तो उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी रेसिपी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़